Welcome to Blessing Today. Blessing Today में आपका स्वागत है। I know all of you are waiting for this episode. मैं जानता हूँ कि आप सब इस एपिसोड का इंतजार कर रहे थे। We were also waiting for you to join. हम भी इंतजार कर रहे थे कि आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएं। And thank you so much for all the comments that you are putting in the comment section. कमेंट सेक्शन में आपने दिए हुए कमेंट्स के लिए धन्यवाद। I just want to read out one comment to you. मैं आपके लिए यहाँ पर एक कमेंट पढ़ना चाहता हूँ। And this is from Elizabeth Rajan from Mumbai. बहन एलिजाबेथ ने मुंबई से लिखा है। Praise be to our Lord Jesus Christ, Pastor, to mention about the series on names and titles of Jesus Christ all these years in my prayer life. While praying, I used to call to Jesus Christ by speaking out as Jesus Christ, Christ, Messiah, and at times Emmanuel. प्रभु की स्तुति हो पास्टर, खास करके उस सीरीज के लिए जो यीशु के नाम और शीर्षकों के बारे में आपने सिखाई है। इतने सालों से मेरे प्रार्थना के जीवन में मैं यीशु को केवल क्रिस्त या मसीहा ही कहती थी, केवल इसी तरह कहती थी। Now, after listening to the Bible study sessions on names and titles of Jesus Christ, I got the revelation, understanding, and thought that we have so many names and titles of Jesus Christ which we can speak to or call upon Almighty Savior during the various facets or factions of our day-to-day life in this world. यीशु मसीह के नाम और शीर्षकों के बारे में इस सीरीज को सुन के मैंने प्रकाशन पाया। हम हर रोज प्रभु यीशु को अलग अलग नामों और शीर्षकों से पुकार सकते हैं, ये मैंने जाना है। थैंक यू ब्रदर डेमियन, सिस्टर शिमा एंड द कंप्लीट टीम फॉर द वेल ऑर्गेनाइज्ड स्पिरिचुअल ऑफरिंग्स व्हिच हैज एम्पावर्ड मी विद जॉय इन माय प्रेयर लाइफ। ब्रदर डेमियन, सिस्टर शमा, आपका धन्यवाद। आपकी प्रार्थना की शिक्षा के कारण मैं अपने जीवन में आनंद महसूस कर रही हूँ। थैंक यू एलिजाबेथ राजन फॉर दैट वंडरफुल कमेंट। बहन एलिजाबेथ राजन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कमेंट के लिए। एंड बाय द वे, आई मिस्ड आउट वन नेम अमंग द 100 नेम्स। By the way, मैं 100 नाम बताते समय एक नाम भूल गया था। मैंने 100 नाम बताए लेकिन एक नाम भूल गया था। Many people didn't bother, but some of them started messaging me. What happened? कुछ लोगों ने तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे संदेश भेज कर कहा कि भाई ये क्या हुआ? I said that is the humanity of Brother Damien. मैंने कहा ये भाई डेमियन की मानवता है। I make mistakes. देखिए, मुझसे भी गलतियाँ होती हैं, मैं गलतियाँ करता हूँ। I missed out the 98th one. मैं जब शीर्षक बता रहा था तो उनमें से 98 नहीं बता पाया। In your notes you can put that 98th one as word, WORD, word. अपनी नोट्स में आप 98 नंबर पर वचन लिख सकते हैं, यानी परमेश्वर का वचन। Word, then comes word of God, then comes word of life. पहले वचन और फिर परमेश्वर का वचन और फिर जीवन का वचन। इस तरह से आप अपनी नोट्स में इसे लिख सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। And thank you so much for bearing with me. मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। Okay, shall we pray for today's sponsors? तो आइए आज के स्पॉन्सर्स के लिए प्रार्थना करते हैं। Today's sponsor is a well-wisher, a brother from Ernakulam. आज के हमारे स्पॉन्सर हैं हमारे शुभचिंतक भाई अर्नाकुलम से हैं। Father, we pray for his good health. पिता, इनकी अच्छी तंदुरुस्ती के लिए हम प्रार्थना करते हैं। Let him be strengthened in every way, Father. पिता, ये हर तरह से बल प्राप्त करते जाएं। Also, Lord, we pray that both the main projects of our ministry, Lea Campus renovation and staff quarters of Blessing Today, to be completed. पिता, हम हमारी सेवकाई की जरूरतों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। कैंपस रेनोवेशन का काम, Blessing Today staff quarters का काम पूरा होने पाए। At the earliest of Father, thank you Lord Jesus for blessing these two projects. ये जल्द से जल्द पूरे होने पाए प्रभु, और हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इन काम में आशीष दी हुई है। इन प्रोजेक्ट्स को आप आशीष दीजिए। In Jesus' precious name we pray, Amen. यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। And I praise God for our worship team.
हमारी आराधना की टीम के लिए भी मैं प्रभु की स्तुति करता हूँ। They have led us through thousands and thousands of songs so far. अब तक उन्होंने हजारों गीतों में हमारी अगुवाई की है, प्रभु का धन्यवाद। Let's go. जो कर सकेगा मेरा सामना दीवारी देख तेरा सर झुका मुझ पर तेरा बस ना चल सका ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा Let's continue with the series on the Son of God. तो आइए परमेश्वर के पुत्र की सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं। And I believe this week is going to be very exciting. मैं विश्वास करता हूँ कि ये हफ्ता हमारे लिए बहुत ही रोचक होगा। I know even in my personal life, week after week, I am getting edified and strengthened and nourished because I'm talking about the Son of God. मैं जानता हूँ कि अपने व्यक्तिगत जीवन में मैं हफ्ते दर हफ्ते मैं उन्नति पा रहा हूँ, पोषण पा रहा हूँ, बल पा रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर परमेश्वर के पुत्र के बारे में सिखा रहा हूँ। Just like Paul had, my sole aim in life, goal in life is to know Jesus more. जैसे पौलुस कहता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं यीशु को और जानता जाऊँ, उसे और जानूं। Amen. Amen. So last week we were discussing about the deity of Jesus Christ. पिछले हफ्ते हमने यीशु के ईश्वरत्व के बारे में यहाँ पर चर्चा की थी। And the people have many questions like, did Jesus ever claim that he was God? लोगों के मन में ऐसे बहुत से सवाल हैं कि क्या यीशु ने कभी परमेश्वर होने का दावा किया है? I emphasized many times that he was not blatantly calling out or declaring everywhere, I am God, come to me and worship me, I have come from heaven. I am the your creator. No, it is not like that. He did not present that in that cheap way. मैंने बहुत बार आपको बताया है कि यीशु ने कभी भी अपने बारे में इस तरह से चिल्ला चिल्ला कर नहीं कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। उसने नहीं कहा कि मैं परमेश्वर हूँ, मैं स्वर्ग से आया हूँ, मेरी आराधना करो। But in a decent, dignified, elegant way, through his words and through his works. He presented himself as our God, our Creator, our Savior, and everything. लेकिन उसने बहुत ही सभ्यता से, सही तरीके से अपने वचन और अपने कार्यों के द्वारा उसने ये प्रकट किया कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं ही तुम्हारा सृष्टि करता हूँ। And today I'm going to focus on the works of Jesus prove he's God. और आज मैं इस बात की ओर आपका ध्यान लगाना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु के काम साबित करते हैं कि वो परमेश्वर है। Let's open our Bibles at John 14 and verse number 11. आइए बाइबल खोलें और देखें अध्याय 14 वचन 11, चलिए देखते हैं। Believe me when I say that I am in the Father and the Father is in me, or at least believe on the evidence of the works themselves. मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। So Jesus is asking them to believe on the evidence of the works. देखिए यीशु वहाँ पर इन लोगों को बता रहा था कि उसके कामों के ऊपर वो लोग विश्वास करें। That means Jesus did something in this world nobody ever did.
इसका मतलब कि यीशु ने ऐसे काम किए जो और किसी ने भी नहीं किए। There are some works that we can also follow, but there are some unique works that nobody in history had them or nobody in the world can do. कुछ काम ऐसे हैं जो हम करते हैं, लेकिन यीशु के कुछ ऐसे काम हैं जिसे इतिहास में ना ही किसी ने किया है और ना ही कभी कोई भी कर सकता है। जानते हैं? Let's open at Matthew 11 and verse number 3. आइए देखते हैं मत्ती अध्याय 11 वचन नंबर 3। You know that John the Baptist who started the ministry first. यहुन्ना बपतिस्मा देने वाले ने सेवकाई पहले शुरू की थी। And he was preparing the way. और वो परमेश्वर का मार्ग तैयार कर रहा था। Then Jesus came. फिर यीशु आया। And when Jesus started ministering, in between John the Baptist got arrested. और जब यीशु ने अपनी सेवकाई शुरू की, तब यहुन्ना बपतिस्मा देने वाले को बंदी बनाया गया। Matthew 11:3, John the Baptist was put into prison, and his disciples came to Jesus asking, "Are you the one who is to come, or shall we look for another?" यहुन्ना बपतिस्मा देने वाला जब जेल में था, तो यीशु से उसके चेलों ने आकर पूछा कि आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जो हैं? This is heartbreaking. ये तो सच में दिल तोड़ देने वाली बात थी। Why? Because he was the one who prepared the way. क्योंकि उसी ने तो उसका मार्ग तैयार किया था। आप जानते हैं? He heard voice from heaven. He saw the dove coming. He had all the credentials, and he announced to the whole world and the coming generations that he was the Lamb of God who was carrying all the sins of the world. उसने ही तो आकाशवाणी सुनी, उसी ने ही तो कबूतर को उतरते हुए देखा। वो इन सारी बातों का गवाह था, और संसार के सामने उसी ने तो इन बातों को घोषित किया था कि ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। इसी तरह से ही तो यहुन्ना ने ये सारी बातें यीशु के बारे में कही थी। But now he is suspecting his messiahship. लेकिन अब वही उसके मसीहा होने के ऊपर संदेह कर रहा था। Question is, are you the one who is to come, or shall we look for another? उसी ने ही तो ये सवाल किया कि क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जो हैं? इस तरह कहता है। What I understand is, John the Baptist was a very powerful minister. मैं ये समझता हूँ कि यहुन्ना बपतिस्मा देने वाला बहुत ही सामर्थी सेवक था। Even he is now doubting. अब वो भी संदेह कर रहा है। देखिए। Do you ever doubt the deity of Jesus? क्या आपने यीशु के परमेश्वर होने पर कभी संदेह किया है? Sometimes you even think if there is a God in existence. क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि क्या परमेश्वर का कोई अस्तित्व है? That is okay. We are all human beings. ये ठीक है, क्योंकि हम सब तो मनुष्य ही हैं। That is okay. God will understand us. ये ठीक है, परमेश्वर हमें समझता है। But my point is this: John the Baptist is sending his disciples to ask this question: Are you the one who is to come, or shall we look for another? Because he doubted something. This is not the way we expected Messiah to behave. यहाँ पर यहुन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने चेलों को भेजकर ये पूछता है कि क्या आने वाला तू ही है या फिर हम किसी दूसरे की बाट जो हैं? क्योंकि उसने किसी बात पर संदेह किया और ऐसा सोचा कि हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारा मसीहा आकर इस तरह से काम करेगा जिस तरह से हम यीशु के कामों को अभी देख रहे हैं। Yeah, by the way, all of Israel, all the people of Israel who had read through the prophetic scrolls, all of them had one idea: when the Messiah comes, he will restore the kingdom. सभी इसराइली लोग जो इसराइल में रहते थे, जिन्होंने हस्तलेख पढ़े थे, भविष्यवाणी के हस्तलेखों में एक ही बात थी कि जब मसीहा आएगा तो वो राज्य को फेर लेगा। Because now they were ruled by the Romans. क्योंकि इस समय रोमी लोग उनके ऊपर में राज्य कर रहे थे। And their expectation was when the Messiah would come, he would
be the king. He would restore the kingdom and he would be seated on the throne of David. And they would have a very wonderful golden era of Messiah's rule. और उनकी अपेक्षा यही थी कि जब मसीहा आएगा वो राजा बनेगा और अपने राज्य को वापस ले लेगा और दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होगा और वो मसीहा के उस सुनहरे युग का बड़ा आनंद लेंगे और वो उसके राज्य में बड़ा आनंद उठाएंगे। Now, what was the response of Jesus to this question? इस सवाल के लिए यीशु ने क्या जवाब दिया? Matthew 11:4-6 मत्ती अध्याय 11 4 से लेकर 6 तक आइए पढ़ें। Jesus answered them, "Go and tell John what you hear and see. The blind receive their sight and the lame walk. Lepers are cleansed and the deaf hear and the dead are raised up and the poor have good news preached to them. And blessed is the one who is not offended by me." यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वो सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है और धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर ना खाए, ऐसा लिखा है। What is the essence here? यहाँ पर इसका सार क्या है? Look at my works and decide. मेरे कामों को देखो और फिर तुम निर्णय लो, इस तरह यीशु ने कहा। I want to say it again. मैं इसे फिर कहना चाहता हूँ। These are the works I do, and this prove that I am the one who was to come. ये मेरे काम है और ये यही साबित करते हैं कि आने वाला मैं ही हूँ। मेरे काम ये साबित करते हैं कि जो आने वाला है वो मैं ही हूँ, यीशु ने इस तरह से कहा। So, I am here to tell you that the works of Jesus, whatever he did in his human life on earth, prove that Jesus Christ is God himself. मैं ये कहना चाहता हूँ कि यीशु ने इस संसार में जो भी काम किए हैं, वो साबित करते हैं कि यीशु परमेश्वर ही था। Now coming to John 15, verse number 24. अब देखते हैं यूहन्ना अध्याय 15, वचन नंबर 24। आइए इस वचन को हम पढ़ते हैं। If I had not done among them the works no one else did, they would not be guilty of sin. As it is, they have seen, and yet they have hated both me and my Father. यदि मैं उनमें वे काम न करता जो और किसी ने नहीं किए, तो वे पापी नहीं ठहरते। परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा और दोनों से बैर किया। So what is he saying here? ये यहाँ क्या कहता है? See, I have done the works no one else did. देखो, मैंने वे काम किए हैं जो किसी ने नहीं किए, किसी ने नहीं। The works Jesus did on earth, nobody else could do. And nobody else will be able to do. यीशु ने जो काम पृथ्वी पर किए हैं, वो काम कोई भी नहीं कर सकता और ना ही कोई करेगा। वो इतने ज़्यादा महान काम हैं। Some of the things I want to give you. और यहाँ पर मैं आपको और कुछ बातें बताना चाहता हूँ। Number one, forgiving sins. नंबर एक, पापों को क्षमा करना। Of course, we can forgive each other. That is something else. अवश्य ही हम एक दूसरे को क्षमा कर सकते हैं, ये अलग बात है। But forgiving the sins of all people, it's not possible with any human being. लेकिन सभी लोगों के पापों को क्षमा करना, ये किसी भी मनुष्य के लिए आसान नहीं होता है। ऐसा तो कभी संभव नहीं हो सकता। But Jesus said, "Son, your sins are forgiven." लेकिन यीशु ने कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा किए गए। And the Jewish leaders were offended. और यहूदी अगवे तो वहाँ पर क्रोधित हो गए थे। Because they all knew that only God could forgive people's sins. क्योंकि वही जानते थे कि केवल परमेश्वर ही मनुष्य के पापों को क्षमा कर सकता है। Another thing, Jesus raised the dead. एक और बात कि यीशु ने वहाँ पर मुर्दों को भी जीवित किया। Lazarus come out. लाजर बाहर आ। Talitha kumai. Talitha kumai. Then he touched that widow's son, the dead body of the widow's son, and he came to life. उसने विधवा के पुत्र को छुआ और वो जिंदा हो गया।
ओनली गॉड कैन रेज पीपल टू रेज डेड पीपल। केवल परमेश्वर ही मुर्दों को इस तरह से जिंदा कर सकता है। बट इट इज इन द नेम ऑफ जीसस विद हिज पावर। लेकिन हम जो काम करते हैं वो तो हम लोग यीशु के नाम से करते हैं। बट जीसस जस्ट कॉल्ड आउट देयर नेम्स एंड दे केम आउट। लेकिन यीशु ने बस उनका नाम लिया और वो बाहर आ जाते थे। On another occasion, Jesus claimed to be the Lord of the Sabbath. I am the Lord of the Sabbath. एक मौके पर यीशु ने कहा कि मैं सब्बत का प्रभु हूँ। Then he stilled the storm. और फिर उसने तूफान को शांत किया। He took control of the temple. उसने परमेश्वर के भवन पर उस समय वहाँ पर अधिकार किया है। Hallelujah. Hallelujah. Because he is above the temple. क्योंकि वो तो उस भवन के ऊपर है। हालेलुया। हालेलुया। And even in Matthew 11:28, Jesus invited all the weary and burdened people to come to him so that he offered rest to them. मत्ती 11:28 में यीशु ने सारे थके और बोझ से दबे हुए लोगों को अपने पास बुलाया और उन्हें विश्राम दिया। वो उन्हें वहाँ पर विश्राम देना चाहता था, उन्हें आराम देना चाहता था। And he even said that he would be judging people in the end. और उसने ये भी कहा कि वो अंत में लोगों का न्याय भी करेगा। So many of these works only God can do. इसका मतलब ये है कि कुछ काम ऐसे हैं जो परमेश्वर ही कर सकता है। A mere prophet cannot do all these things. कोई भविष्यवक्ता ऐसा नहीं कर सकता है। religious leader cannot do this. या कोई भी धार्मिक अगुवा नहीं कर सकता। A priest cannot do these things. याजक ये नहीं कर सकता। So an ordinary man cannot do all these things. Only God can do. So the works of Jesus prove that he is God himself. कोई साधारण मनुष्य ये काम नहीं कर सकता। यीशु के काम ऐसे साबित करते थे कि वही परमेश्वर है, उसी के काम ये बात साबित करते थे। And finally, I want to give you one more thing. अंत में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। That is the death, what Jesus did through his death. कि यीशु ने अपनी क्रूस की मृत्यु के द्वारा क्या किया? Jesus' death on the cross was not a murder. क्रूस पर यीशु की मृत्यु जो थी वो कोई हत्या नहीं थी। It was not accidental death. और ना ही ये कोई अचानक से हुई मृत्यु थी। It was not a natural death. ये स्वाभाविक मृत्यु नहीं थी। He died not because of any disease. और वो कोई बीमारी के कारण भी नहीं मरा था। It was a substitutionary death. ये मृत्यु तो ऐसी थी जो हमारे बदले में उसे दी गई मृत्यु थी। देखिए। That means he died on behalf of us in our place. इसका मतलब ये है कि वो हमारे बदले में हमारी जगह पर वहाँ उस क्रूस पर मर गया। He took all our sins. उसने हमारे सारे पाप उठा लिए। He carried all our curses. हमारे सारे श्रापों को उठा लिया। He took all our poverty. हमारी गरीबी को उठा लिया। And he took our death. हमारी मृत्यु को उसने उठा लिया। And he took all the negative stuff. और उसने सारी नकारात्मक जो चीजें थी उसे उठा लिया। He took all our punishment. उसने हमारा दंड उठा लिया। And nobody else could do this for us. और कोई भी मनुष्य हमारे लिए ये सब कुछ नहीं कर सकता था, जानते हैं? Because his work on the cross is so unique, nobody can do it, nobody can even imitate it. क्योंकि क्रूस पर उसका काम सच में बहुत ही अद्भुत था। कोई दूसरा मनुष्य इसे नहीं कर सकता है और कोई भी इसके अनुसार हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। Somebody say hallelujah. कोई इसे कहे हालेलुया। Somebody type in the live chat, thank you Jesus. कोई भी लाइव चैट में इसे टाइप कीजिए, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। God sent his son to the cross of Calvary and he spared us. परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर भेजा और उसने हमारे लिए दाम चुकाया और उसने सबको बचा लिया। And we don't need to go to that cross again. अब हमें उस क्रूस के ऊपर जाने की जरूरत नहीं। And no court
in the universe can punish a sin twice. और संसार का कोई भी जो कोर्ट है वो एक पाप के लिए दो बार दंड नहीं दे सकता. So Jesus has already taken that death sentence. तो यीशु मसीह ने वो जो मृत्यु दंड की आज्ञा थी वो अपने ऊपर ले ली. उसने हमें उससे छुड़ा लिया है. Hallelujah. Hallelujah. And so we don't need to go to hell anymore. तो हमें नरक में जाने की जरूरत नहीं है. Hallelujah. Hallelujah. Pray this prayer after us. हमारे बाद ये प्रार्थना कीजिए. Lord Jesus. प्रभु यीशु. I commit my life for you. मैं अपना जीवन तुझे दे देता हूँ. I'm sorry that I did innumerous sins. मुझे क्षमा कर कि मैंने अनगिनत पाप किए हैं. मैंने बहुत सारे पाप किए हैं. I repent of my sins, Lord. मैं पापों से पश्चाताप करता हूँ. Come into my heart. मेरे हृदय में आ जा. I declare that you are my savior. मैं घोषित करता हूँ कि तू मेरा उद्धारक है. Cleanse me with your blood. अपने लहू से मुझे शुद्ध कर दे. You are my Lord. तू मेरा प्रभु है. You are my everything. तू मेरा सब कुछ है. Amen. Amen. And if you or anybody connected to you in your knowledge, you can call up the prayer line number or you can send that message to Blessing Today WhatsApp number. अगर आप या फिर आपका कोई भी प्रियजन तो आप हमारे प्रेयर लाइन नंबर पर फोन कीजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप इसका मैसेज दीजिए. मतलब आपका कोई भी रिश्तेदार या आपसे कोई भी जुड़ा हुआ व्यक्ति तो आप हमें जरूर प्रार्थना निवेदन भेजिए. एंड वी विल बी प्रेइंग फॉर यू. हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे. टुमारो वी विल बी कंटिन्यूइंग दिस टॉपिक. अगले हफ्ते हम इस टॉपिक के बारे में और भी ज्यादा देखेंगे. एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. सी यू टुमारो. बाय बाय. प्रभु आप सबको आशीष दे. फिर से मुलाकात होगी. बाय बाय.